हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिडन फिगर्स इस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.8। इस फिल्म का टोटल बजट था 25 मिलियन यूएस डॉलर का और इस मूवी ने कमाई की थी 236 मिलियन यूएस डॉलर की। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। कहानी शुरू होती है सन 1961 से। ये वो वक्त था जब काले और गोरों का भेदभाव बहुत ज्यादा हुआ करता था अमेरिका में। ये वो वक्त था जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होके बहुत समय बीत चुका था और अब हर देश धरती से निकलकर दूसरे ग्रहों पर जाना चाहता था। यहाँ पर तीन लड़कियों को दिखाया जाता है। ये तीनों की तीनों अफ्रीकन अमेरिकन लेडीज हैं। इनकी गाड़ी सड़क पर खराब हो जाती है और तभी वहाँ पर पुलिस की एक गाड़ी आ जाती है। उससे वो डर जाती है क्योंकि इस वक्त पर अफ्रीकन जो कि अमेरिका में रहते थे, उनकी कोई भी इज्जत नहीं होती थी। किसी भी गुनाह के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। और जब पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये सब नासा में काम करती है, तो वो उनसे सख्ती से बात नहीं करता, बल्कि वो उनकी मदद करता है, क्योंकि ये वो वक्त था जब रशिया भी इसी तरह के प्रोजेक्ट पर लगा हुआ था और अमेरिका चाहता था कि रशिया से पहले वो अंतरिक्ष में मतलब चांद पर पहुंचे। और इसके लिए नासा में बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा था। और ये तीनों नासा में ह्यूमन कंप्यूटर्स होती है, मतलब कि ये नासा के लिए कैलकुलेशन का काम करती है, क्योंकि इस वक्त कंप्यूटर मशीन इतनी एडवांस नहीं थी कि उस पर पूरी तरह से विश्वास किया जा सके। इसीलिए नासा अपनी सारी कैलकुलेशन के लिए बाहर से लोगों को हायर किया करता था। इन तीनों में से एक का नाम कैथरीन है, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत ही शार्प होती है। दूसरी का नाम मेरी जैक्सन है, जो इंजीनियर बनना चाहती है। और तीसरी इनकी सुपरवाइजर भी है, जिसका नाम डॉरथी होता है। फिर दिखाया जाता है कि नासा का हर एक साइंटिस्ट इस बात पर काम कर रहा है कि कैसे किसी यान को पृथ्वी की कक्षा के बाहर भेजा जा सके, मतलब अंतरिक्ष में भेजा जा सके। और नासा की टेंशन तब ज्यादा बढ़ जाती है जब रूस अमेरिका से पहले ये काम कर देता है। दरअसल रूस अपने एक यान को पृथ्वी की कक्षा से बाहर भेजने में कामयाब हो चुका था और उसमें एक आदमी भी होता है, एक एस्ट्रोनॉट होता है, जिसका नाम था यूरी गैग्रीन। और ये इस दुनिया का पहला ऐसा इंसान था जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर अंतरिक्ष में गया था। और ये घटना 12 अप्रैल सन 1961 को हुई थी। और अब अमेरिका भी अपने एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी की कक्षा के बाहर अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं। इसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन वे सब के सब फेल हो रहे हैं। यहाँ पर जो नासा के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है एल हैरिसन। वो चाहते हैं कि रूस से पहले अमेरिका चांद पर जाए, लेकिन इसके लिए इन्हें एक यान बनाना होगा जो आराम से पृथ्वी की कक्षा के बाहर जा सके और उसी तरह से बिना किसी दुर्घटना के वापस लैंड कर सके। अब एल हैरिसन को एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो एनालिटिक ज्योमेट्री में मास्टर हो, और उन्हें ऐसा कोई भी एम्प्लॉय मिल नहीं रहा था। पिछले 12 महीनों में ये ऐसे 12 लोगों को बदल चुके थे और अब मजबूरी में इन्हें कैथरीन को इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना पड़ता है। आज से पहले यहाँ पर सिर्फ गोरे लोगों ने काम किया था और कैथरीन ऐसी पहली ब्लैक लेडी है जो इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए आई है। जब वो अंदर आती है तो उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। तभी वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी उसके बॉक्स पर डस्टबिन रख देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सफाई करने वाली है, पर वो ये बताती है कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आई है। तो उसे सबके सब बहुत हैरानी से देखने लगते हैं। इससे ये पता चलता है कि उस वक्त कालों और गोरों के बीच में कितना भेदभाव हुआ करता था, लेकिन अब कैथरीन इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेरी को अब स्पेस कैप्सूल हीट शील्ड पे काम करना है। उनकी टीम का काम होता है कि स्पेस कैप्सूल को सुरक्षित बनाया जा सके। स्पेस कैप्सूल उसे कहते हैं जिसके अंदर बैठकर एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं, और जब कैप्सूल वापस धरती पर आता है तो धरती के वातावरण से फ्रिक्शन होने की वजह से कैप्सूल की हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और हीट शील्ड का काम होता है कि उस गर्मी को, उस हीट को कंट्रोल करना। लेकिन कई बार परीक्षण करने के बाद, कई बार डिजाइन बनाने के बाद भी वो उसमें कामयाब नहीं हो रहे थे। और तब मेरी अपने सीनियर के साथ उस डिजाइन को देखती है, तो वो एक बार में ही बता देती है कि उसमें क्या कमी है। उसका सीनियर बोलता है कि इंजीनियर के दिमाग वाले को इंजीनियर ही होना चाहिए। मेरी बोलती है कि मैं एक निग्रो लड़की हूँ और मैं असंभव की उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पर निग्रो लोगों को
मतलब ब्लैक लोगों को इंजीनियर की डिग्री में एडमिशन नहीं दिया जाता। उसका सीनियर बोलता है कि मैं पोलैंड का एक यहूदी हूँ, मेरे माँ बाप को नाजी कैंप में मार दिया गया था और मैं आज यहाँ पर खड़ा होकर एस्ट्रोनॉट्स को सितारों की दुनिया में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी नामुमकिन नहीं है। वो मेरी से बोलता है कि तुम व्हाइट होती तो क्या तुम इंजीनियर बनना पसंद करती? तो मेरी कहती है कि अगर ऐसा होता तो मैं आज इंजीनियर बन चुकी होती। वही डॉरथी जो यहाँ पर सुपरवाइजर का काम संभालती है, दरअसल वो ऑफिशियली सुपरवाइजर नहीं है, पुरानी सुपरवाइजर का काम छोड़ने के बाद उसका काम डॉरथी संभालती है, लेकिन उसे सैलरी सुपरवाइजर की नहीं मिलती। और जब वो इस बारे में मिशेल से बात करने के लिए जाती है तो वो उसकी बात को टाल देती है और ज्यादा सीरियस नहीं लेती। यहाँ पर डॉरथी को ये भी पता चलता है कि यहाँ पर IBM कंप्यूटर आ रहा है, अगर वो एक बार एक्टिव हो गया तो उसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग हैं जो कैलकुलेशन करते हैं उन सब की नौकरी चली जाएगी। और वो ये बात कैथरीन और मेरी को लंच टाइम में बताती है, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि इन मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी यहाँ पर कोई ना कोई इंसान चाहिए होगा और अब एक ही रास्ता है, हमें इस काम को सीखना होगा। तभी वहाँ पर मिसेस मिशेल आ जाती है और वो मेरी को बताती है कि तुमने इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास जरूरी डिग्री नहीं है। मेरी कहती है कि मेरे पास मैथमेटिक्स और फिजिकल साइंस की बैचलर डिग्री है जो अधिकतर इंजीनियर्स के पास होती है। मिसेस मिशेल कहती है कि हमें इस पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया की एडवांस कोर्स की डिग्री भी चाहिए होगी और ये हमारे क्राइटेरिया में है, इसे मैंने डिसाइड नहीं किया है बल्कि नासा ने किया है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब अगर मेरी को ये पोस्ट हासिल करनी है तो उसे सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होंगे और जो सर्टिफिकेट उसे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से मिल सकता है वही सर्टिफिकेट उसे एक पास में हैम्पटन हाई स्कूल होता है वहाँ से भी मिल सकता है, लेकिन वो स्कूल सिर्फ गोरों के लिए होता है। हालांकि ये लॉ ऊपर से नहीं होता, लेकिन इस कानून को कोई भी नहीं मानता कि वहाँ पर ब्लैक लोग भी आ सकते हैं और अपनी सर्टिफिकेट डिग्री एजुकेशन पूरा कर सकते हैं। इसीलिए आज तक हैम्पटन हाई स्कूल में कोई भी ब्लैक इंसान नहीं गया, लेकिन मेरी किसी भी हालत में वहाँ पर एडमिशन लेके अपने डॉक्यूमेंट पूरे करना चाहती है। इसीलिए वो कोर्ट में जाती है क्योंकि अगर जज ने उसे वहाँ पे ग्रीन चिट दे दी तो उसे वहाँ पर एडमिशन मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जज कहते हैं कि तुमने एडमिशन पिटीशन दर्ज की है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि हैम्पटन हाई स्कूल गोरों का स्कूल है। चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन वर्जीनिया अभी भी काले और गोरों का रंगभेद करने वाला है। मेरी कहती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहती है कि आप अपने परिवार में पहले थे जो US नेवी में गए, आप पहले थे जो यूनिवर्सिटी गए और आप पहले स्टेट जज बने जिसे 3 गवर्नर्स ने चुना। फिर जज कहते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, तो वो कहती है कि इस दुनिया में जो भी इंसान पहली बार अगर कोई काम करता है तो उसे दुनिया हमेशा याद रखती है, चाहे वो चांद पर जाना हो या कोई और काम हो। वो कहती है कि आज से पहले कोई भी ब्लैक इंसान गोरों के साथ स्कूल में नहीं गया और अगर मैं ऐसा करती हूँ, अगर आप भी फैसला सुनाते हैं तो आपका नाम इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जज उसकी इन बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ नाइट क्लासेस में जा सकती हो। और इस बात से मेरी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब वो असल में इंजीनियर बन सकती है। वही दूसरी तरफ डॉरथी अब IBM मशीन को सीखना चाहती है, उसकी प्रोग्रामिंग को सीखना चाहती है ताकि वो उसको ऑपरेट कर सके। और वो इसके लिए लाइब्रेरी से बुक चुरा के लाती है क्योंकि जिस लाइब्रेरी में वो बुक होती है वहाँ पर ब्लैक लोगों का जाना मना होता है। इस वक्त में ब्लैक लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बस में उनके लिए सीट्स अलग होती है, उनके टॉयलेट्स भी अलग होते थे, वो हर जगह पर नहीं जा सकते थे जहाँ पर गोरे जा सकते थे। लेकिन अब डॉरथी के पास वो बुक है जिसे वो IBM मशीन को समझ सकती है और वो उसे पढ़ना शुरू कर देती है और साथ ही वो जो स्किल है वो अपने टीम को भी सिखाती है क्योंकि वो जानती है कि एक बार ये मशीन चलना शुरू हो गई तो यहाँ पर किसी भी ऐसी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं होगी जो कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि IBM मशीन खुद ही सब कुछ कैलकुलेट कर लेगी। इसीलिए वो अपनी पूरी टीम को जो उसके अंडर काम करती है, जो सारी फीमेल्स ब्लैक है और जिनकी जॉब जाने वाली है, वो उन्हें IBM मशीन के बारे में पढ़ाना और समझाना शुरू कर देती है। वही एल हैरिसन जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनके टीम के अंडर कैथरीन काम कर रही होती है, उसके साथ एनालिटिक ज्योमेट्रिक काम कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसके साथ बहुत भेदभाव हो रहा होता है क्योंकि वो अपने ग्रुप में एक अकेली निग्रो औरत होती है।
उसके लिए कॉफी की कैटल भी अलग से लगाई जाती है, क्योंकि उनका स्टाफ नहीं चाहता कि जहाँ से वो लोग कॉफी पीते हैं वहीं से कैथरीन भी पिए। साथ ही कैथरीन को यहाँ से वॉशरूम जाने के लिए भी 800 मीटर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो वॉशरूम होता है सिर्फ गोरे लोगों के लिए होता है। लेकिन कैथरीन अपने काम में बेहद शार्प होती है। हालांकि उसे सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाते, लेकिन बावजूद इसके वो एक ऐसी कैलकुलेशन बोर्ड पर करती है जिसे देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। एल हैरिसन उसे अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने ये सब कैसे किया। वो कहती है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिए थे उसके आधार पर यहाँ पर ये पता चलता है कि आपके आज तक के सारे टेस्ट फेल क्यों हुए। आपका रॉकेट सब कुछ ठीक है, लेकिन कैप्सूल बाहर अंतरिक्ष तक नहीं पहुँच सकता। हैरिसन बोलता है कि तुमने ये सब कुछ पता कर लिया है इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो पूरे भी नहीं है। वो कहती है कि इनमें सब कुछ लिखा हुआ है और वो हैरिसन को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। हैरिसन को ये भी लगता है कि ये रूस की जासूस तो नहीं, लेकिन उसे बताया जाता है कि ये रूसी नहीं है। इसके बाद हैरिसन ऑर्डर देता है कि इससे कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी, पूरा डेटा बताया जाएगा। हालांकि उसके साथ के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन हैरिसन किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन हैरिसन देखता है कि कैथरीन कई बार उठकर अपने डेस्क से कहीं चली जाती है और वो बहुत देर बाद आती है। और जब हैरिसन पूछता है कि तुम बार बार यहाँ से गायब क्यों हो जाती हो, तो वो कहती है कि मैं बाथरूम गई थी। हैरिसन बोलते हैं कि बाथरूम, वो भी 40 मिनट तक, क्या करती हो वहाँ पर तुम। वो कहती है कि यहाँ पर मेरे लिए कोई भी बाथरूम नहीं है, मेरा बाथरूम यहाँ से 800 मीटर दूर है, यानी कि आधा मील दूर है, और वहाँ से आने जाने में 40 मिनट लग जाते हैं, और यहाँ तक कि हम लोगों को यहाँ से साइकिल ले जाने की भी इजाजत नहीं है। मैं उस पॉट की कॉफी पीती हूँ जिस पर आप हाथ भी लगाना नहीं चाहते। हैरिसन को इन सब बातों के बारे में नहीं पता था। वो उसके पॉट से वो स्टिकर निकाल देते हैं जिस पर ये चिट लगाई गई थी कि ये सिर्फ काले लोगों के लिए है। और इसके बाद वो वॉशरूम के बाहर जाते हैं जहाँ पर बोर्ड लगा होता है कि यहाँ पर सिर्फ गोरे लोग जा सकते हैं। हैरिसन उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद यहाँ पर कोई भी जा सकता है, क्योंकि नासा में सिर्फ हुनर की जबान बोली जाती है। वही दूसरी तरफ डोरेथी भी IBM की पूरी जानकारी ले चुकी है और IBM मशीन अब नासा में आ जाती है। लेकिन जब नासा वाले इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनसे ये मशीन स्टार्ट नहीं होती, और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो डोरेथी वहाँ पर आ जाती है और वो उसे स्टार्ट कर देती है। इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि डोरेथी के पास IBM की नॉलेज है, और बाद में डोरेथी को यहाँ का सुपरवाइजर बनाया जाता है। लेकिन डोरेथी एक शर्त रख देती है। वो कहती है कि उसके जो 30 कोवर्कर्स है उन्हें भी उसके साथ यहाँ पर काम दिलाया जाए, क्योंकि उन सबको भी IBM की नॉलेज है। डोरेथी ने सबको सब सिखा दिया होता है, और यहाँ पर मिसेस मिशेल उसकी शर्त को मान लेती है। वो डोरेथी को यहाँ का सुपरवाइजर बना देती है। मिसेस मिशेल पहले डोरेथी को डोरेथी बुलाती थी, लेकिन अब वो उसका नाम इज्जत से लेती है। नासा से पहला एस्ट्रोनॉट अब पृथ्वी की ऑर्बिट में जाने के लिए तैयार है। उसका नाम होता है जॉन गॉलनट। कैथरीन कहती है कि मैं इस पर अभी से काम करना चाहती हूँ। उसके जो डायरेक्टर होते हैं उसका नाम हैरिसन है। वो कहते हैं कि वो नंबरों को सही जगह पर लगाने का काम नहीं है, बल्कि हमें नया गणित इजाद करना होगा। कैथरीन कहती है कि ये मैं कर सकती हूँ। हैरिसन उसके पिछले काम को देखकर उसे इजाजत दे देते हैं। अब वो लॉन्च आराम से कर सकते हैं। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि उसे वापस लाना, और इसे एक नाम देते हैं, गो नो गो, मतलब जाओ ना जाओ। नासा के मुताबिक इनका कैप्सूल जिसके अंदर जॉन होंगे, जब वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा होगा उसकी गति को सही जगह पर और सही समय पर कम करना होगा, और जो चक्कर अंडाकार तरीके से लगा रहा है उसे इन्हें सेमी सर्कल में डिवाइड करना होगा, और उसके बाद इसे वापस पृथ्वी पर लाया जा सकता है। और ये बहुत ही सटीक तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अगर वक्त से पहले पृथ्वी के ऑर्बिट के अंदर दाखिल कर दिया गया तो उससे उसकी हीट बढ़ जाएगी, उसमें आग लग सकती है, और अगर उसे देर हो गई तो वो पृथ्वी के ऑर्बिट के अंदर अंतरिक्ष में चक्कर ही मारता रहेगा। और ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जिसे नाम देते हैं गो न गो, मतलब जाओ न जाओ। अब कैथलीन अपना काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे यहाँ पर काम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बार बार कैप्सूल का वजन, उसके लॉन्च का टाइम, जगह बदल रहे हैं, जिसकी वजह से कैथरीन की पूरी कैलकुलेशन बदल जाती है, और जो भी काम कैथरीन करती है वो सब का सब खराब हो जाता है। कैथरीन मिस्टर हैरिसन को बोलती है कि वो भी ब्रीफिंग में जाना चाहती है,
हालांकि आज से पहले कोई भी फीमेल इस ब्रीफिंग में नहीं गई है, लेकिन मिस्टर हैरिसन उसे अलाउ कर देते हैं। और यहाँ पर जॉन भी होता है, जो वो एस्ट्रोनॉट होता है जो कैप्सूल के अंदर बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला है। और जब वो कैथरीन को कैलकुलेशन करते हुए देखता है तो उससे वो बहुत इम्प्रेस होता है, क्योंकि कैथरीन अपने काम में बहुत ही शार्प होती है। लेकिन अभी भी जो इनके कैलकुलेशन का तरीका होता है उससे ये बिल्कुल भी सटीक आंकड़े नहीं पा रहे थे। और कैथरीन बताती है कि शायद हमें नए गणित की जरूरत ही ना पड़े, पुराने से ही काम चल जाए। वो ऑयलर पद्धति बताती है, ये एक मैथमेटिक्स का पुराना तरीका है जो बिल्कुल सटीक आंकड़े देता है। और जब कैथरीन उस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करती है तो मिस्टर हैरिसन बहुत खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मिल गया। वही दूसरी तरफ मैरी अब इंजीनियर के क्लासेस के लिए तैयार है, और उसके हस्बैंड जो पहले उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देते थे, जो बोलते थे कि ये सब कुछ बेवकूफी है, ये हो ही नहीं सकता, अब वो भी उसके साथ है। और जब मैरी क्लास में जाती है तो वहाँ पर एक भी लड़की नहीं होती है और ना ही कोई ब्लैक होता है, क्योंकि आज से पहले इस जगह पर कोई भी ब्लैक स्टूडेंट नहीं आया था। जब वो अपना एडमिशन फॉर्म अपने टीचर को देती है तो सभी स्टूडेंट्स और टीचर हैरान हो जाते हैं। लेकिन मेरी अब इस कोर्स का हिस्सा होती है, और जो सपना उसने कभी देखा था वो सच होने वाला है। अब नासा में IBM मशीन भी शुरू हो चुकी है, जिसे डोरथी और उसकी पूरी टीम ऑपरेट करेंगी। और इस मशीन की शुरुआत होने के बाद मिस्टर हैरिसन कैथरीन को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास IBM मशीन है, और ये एक कंप्यूटर दिमाग है जिससे इंसान का दिमाग मैच नहीं कर सकता। इसीलिए अब हमें इस डिपार्टमेंट में इंसानी कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करते हैं उनकी जरूरत नहीं है। हालांकि मिस्टर हैरिसन ऐसा नहीं करना चाहते, वो जानते हैं कि कैथरीन बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत सारे फैसले उनके हाथ में नहीं होते हैं। वो कैथरीन से सॉरी भी बोलते हैं। फिर कैथरीन कहती है कि मैं समझ सकती हूँ, और कैथरीन को उसके पुराने डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। और अब वो दिन आता है जब पृथ्वी की कक्षा से बाहर एक इंसान जिसका नाम जॉन है वो जाएगा, लेकिन जब भी लैंडिंग की गणना उसके कैलकुलेशन को चेक करते हैं तो IBM मशीन से भी नहीं होती है। तब उनकी कैलकुलेशन कल के मुकाबले आज की कैलकुलेशन बहुत ही अलग होती है। इस बात से मिस्टर हैरिसन परेशान हो जाते हैं कि अगर कैलकुलेशन सटीक नहीं हुई तो ये लॉन्च नहीं कर सकते, जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। मिस्टर हैरिसन जॉन को बताते हैं कि कल के मुकाबले आज के नंबर अलग आए हैं। जॉन कहता है कि वो लड़की जिसका नाम कैथरीन है, अगर वो बोल दे कि नंबर सही है तो मैं लॉन्च के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका दिमाग बहुत तेज है, वो अपने काम में बहुत शार्प है। और मिस्टर हैरिसन जिनके पास आंकड़े होते हैं चेक करवाने के लिए वो कैथरीन के पास भेज देते हैं। कैथरीन उसकी पूरी कैलकुलेशन करके मिस्टर हैरिसन के पास जाती है और उसकी कैलकुलेशन के आधार पर लॉन्च हो जाता है। और जॉन जो कि एक कैप्सूल में है जिसका नाम फ्रेंडशिप 7 है, उस पर बैठकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। वो अंतरिक्ष में है और वो पहले अमेरिकन बनते हैं जो ऐसा करते हैं। और ये दिन होता है 28 फरवरी 1962। लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पर आते हैं तो एक पल ऐसा भी आता है जब उनका कैप्सूल रडार से गायब हो जाता है। नासा के सभी एम्प्लॉई परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोबारा से रडार में आ जाते हैं। और इस तरह से नासा का ये प्रोजेक्ट, ये मिशन पूरा हो जाता है, जिसमें कैथरीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसी वजह से कैथरीन को उसकी पोजीशन वापस मिल जाती है, मतलब वो मिस्टर हैरिसन के साथ उसी डिपार्टमेंट में काम करेंगी जहां पर उसने इस पूरे प्रोजेक्ट में काम किया होता है। और साथ ही डोरथी जो कि अब सुपरवाइजर है, और मैरी जिसने अब इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली है और वो अब नासा में इंजीनियर है। साथ ही अपोलो 2 मिशन जो कि चांद पर जाने का मिशन होता है उसमें भी कैथरीन ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और सन 2016 में नासा ने एक कॉम्पिटिशनल बिल्डिंग बनाई, क्योंकि इनके काम को देखते हुए ये उन्हें सम्मान दिया था। और 97 की एज में कैथरीन को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से इन तीन फीमेल्स ने उस वक्त, जिस वक्त काले और गोरों का इतना ज्यादा भेदभाव हुआ करता था, इन तीनों ने अपने टैलेंट से न केवल उन सबको काले और गोरों का भेदभाव भूलने के लिए मजबूर किया, बल्कि उन सबको इन्हें सम्मान भी देना पड़ा। इसे हमें ये पता चलता है कि अगर इंसान के अंदर टैलेंट है तो पूरी दुनिया उसे सलाम करती है, लेकिन किसी भी काम में टैलेंट सोचने से नहीं, वो मेहनत करने से आती है, फैसले लेने से आती है, क्योंकि टैलेंट ही ऐसी चीज है जो इस दुनिया में अमीर गरीब, ऊंच नीच, पढ़ा लिखा, इन सब को मिटा देती है। तो आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए।